तो गुड आफ्टरनून गाइस, मैं आज आ गया और एक स्नेक रेस्क्यू करने के लिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि वो स्नेक शायद एक कोबरा है, घर के अंदर घुस गए। वो लोग मेरा आने से पहले ही धुआं हुआ देखे क्या क्या करके कुछ किए हैं, साहब उससे भी और भी ज़्यादा इरीटेट हो गया होगा। तो चलो बिना कोई देरी के जल्दी अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है, पहले स्पॉट करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं सेफली उसको यहाँ से पकड़ के कहीं दूर रिलीज़ कर पाते हैं। आ जाओ, देखिए साहब, शायद ये लोग बोल रहे कि यही इसके नीचे कहीं पे होगा, यहाँ पे बहुत कचरा वचरा वगैरह है, इसी के नीचे कहीं पे होगा बोल के बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ इस जगह को क्लियर कर देने के लिए, ताकि अगर वो साहब मूवमेंट करे तो उसको पकड़ने में ज्यादा इजी हो। तो इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, लेकिन बेटा रखिए वो भी बाहर नहीं होगा ये जो है ना, ठीक है, स्पेस दो का स्पेस ना ले कौन से दौड़ा दौड़ी को जो है ना, ठीक है, धर लो बेटा वो सीधा का है। सही थी, मैं तो सामान देखो सेव नहीं आया ला, सब बोले खाली कर दो अब। हमने जब बाहर से जैसे चलो पड़े जाता बेटा, कबट्टा कौन करा बेटा, कबट्टा बंद कर, कौन बैठ तो ये अच्छी आओ कौन सी देखिए किसके अंदर ना जा पाए करके पूरा चेक करते हैं। ये भी हाँ हाँ देखिए वहाँ पे है साहब, दिख गया, देयर इट इज, एक कोबरा जैसे ही लग रहा है वो। इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं, देखिए एकदम टोटली रेडी है अपना, देखिए एकदम पूरा रेडी है, लुक एट दैट, देयर इट इज। इट इज ब्यूटीफुल। तो चलो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ उसको बाहर लेके जाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इतना छोटा सा जगह में कंफर्टेबल नहीं होगा पकड़ने के लिए। That is a big one. That is a big one. It's moving. देखिए बाहर जा रहा है। Yes, yes. ना ना बोलता। That is beautiful. आराम से रहिए दो। बहुत बड़ा साइज का है, काइंड ऑफ ये मेरा फर्स्ट कोबरा रेस्क्यू है। थोड़ा बहुत डरा हुआ भी हूँ, डरना भी चाहिए, ऐसे जीव जंतुओं से आप लोगों को डरना चाहिए। बैग को थोड़ा ये करो, ओपन करो, हटो, चलो इसको बैग के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ईटा देखिए करते हैं।
ସେ କର ଟିକେ କିଏ ଗୋଟେ କରିଦେବି ଦିଟା ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଏଇଟା ଦିଟା यहाँ पे कुंडली मार लिया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे लिए। अब इसको थोड़ा छोड़ने वाला क्योंकि यहाँ पे कुंडली मार लिया है। ये बाकी स्नेक जैसा नहीं है, ये आपको काटने आ सकता है, काटने आता है, डराता है। हाथ से प्ले बहुत ही छोटा है। सो गाइज, दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैच ए कोबरा। इट वॉज इनक्रेडिबल। सबसे पहले इसको बांध देते हैं। नाउ इट्स सिक्योर। और आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो स्नेक है इसमें जहर जो है न्यूरोटॉक्सिक जहर है, ठीक है ना। मतलब वो सांप काटने से आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना 2-3 घंटा का टाइम मिलेगा डॉक्टर के पास जाने के लिए। इसलिए जब भी ये सांप काटे आप लोग जो आसपास जैसे रहते हैं ना तांत्रिक वंत्रिक वगैरह, इनके पास बिल्कुल मत जाइएगा कि क्योंकि उनके पास जाने से मौत पक्का है। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आप प्योरली मतलब बिल्कुल सही हो जाओगे। इसलिए अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ना और ऐसे स्नेक से पूरा दूर रहना क्योंकि बहुत डेंजरस स्नेक है। तो चलो इसको जाके এটা যদি ডক্টর পাখিরে না নিয়া হব তাহলে ম্যাক্সিমাম 2-3 ঘন্টা টাইম দেব, তার ভিতরে মানে সিরিয়াস কন্ডিশন হয়ে যাব, তার ভিতরে ডক্টর পাখিরে যাবার আছে। উইথ ইন 2-3 আওয়ার্স উই হ্যাভ টু কনসাল্ট এ ডক্টর। ইয়েস ইয়েস, ইট গিভস ইউ অনলি 2-3 আওয়ার্স। তারপরে সিচুয়েশন মানে খারাপ হয়ে যাব, তারপরে ধীরে 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 কি ডেথ। আউ আউ গোটে জিনিস কোন এই সাপটা কোন বাকি যেটা আছে আপনার কমন চিটি সাপ সেটা কোন সে থরে কামুড়িব টিকে বিষ দেব। হ্যাঁ ସେ ଏକା ଏକାଥରକେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ପାରିବ 4 ଥର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାପ କି କରିବ ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବ ମାନେ ଆ ପାଖରେ ଯେତେ ବିଷ ଅଛି ସବୁ ଢାଳିଦେବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ତା ପାଖରେ ବିଷ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ କଥା ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବିଷ ଢାଳିଦେବ, ତ ଆକୁ ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ ରିସ୍କି କାମୁଡ଼ିଲେ। ଚାଲ ଇସକୁ ରିଲିଜ କରିକି ଆସ। ତ ଗାଇଜ୍ ଇସକୁ ରିଲିଜ କରିନେ ଆ ଗଏ। ଦେଖେ ଜୈସେ କି ଆପ ଲୋଗୋ ଦେଖ ରହେ ହେ ଆସପାସ ପାହାଡି ବଗେରା ହେ, ୟହାଁ ପେ ପାନି ବି ହେ ଇସ ସାଇଡ୍, और वहाँ पे एक छोटा सा कनाल टाइप का है ऊपर। तो ये जगह स्नेक के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा, चूहा वगैरह मिल जाएगा, मेंढक वेंढक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठंडा एरिया भी है तो इसके लिए अच्छा रहेगा। गांव से बहुत दूर लेके आ गए हैं तो इसका भी थोड़ा रिलीज कर देते हैं यहाँ पे।
तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ये स्नेक है, आप लोग देख पा रहे कितना सुंदर है देखने में इसका प्यारा सा। वाओ, इट इज ब्यूटीफुल मास्टरपीस ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड। वाओ, ऐसे सांप को कोई कैसे मार सकता है यार। बस चलो अभी ये जा रहे हैं, इसको जाने देते हैं। वाओ, दैट इज अ ब्यूटीफुल कोबरा। एंड दैट इज वन ब्यूटीफुल स्नेक। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट कोई स्नेक रेस्क्यू या फिर सर्वाइवल वीडियो या फिर बुश क्राफ्ट वीडियो, एनीथिंग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो ताकि उससे मेरा सपोर्ट बन जाए, ये जो काम कर रहा हूँ ये प्रॉपरली और भी अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक माई वीडियोज़, देन डू शेयर इट प्लीज़। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।